चेयरमैन पाकिस्तान ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स और रोज न्यूज सरदार खान न्याजी ने एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दौरा किया और यूनिवर्सिटी को मीडिया ग्रुप पार्टनर बनाने का ऐलान किया है। सरदार खान न्याजी के शानदार इस्तकबाल और दौरे की तफसीलात के लिए देखते हैं रजा अब्द मुस्तफा की ये रिपोर्ट। चीफ एडिटर रोजना पाकिस्तान व चेयरमैन रोज न्यूज सरदार खान न्याजी ने कहा है कि जब तक तालीम, ज़राअत और सेहत तरजीह नहीं होगी, हकीकी तरक्की मुमकिन नहीं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के खसूसी दौरे के दौरान असातिज़ा और तुलबा तालबात से खिताब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि ज़राअत के शोबे की तरक्की से गरीब अवाम मुस्तफीद होंगे। सरदार खान न्याजी ने इस मौके पर एरिड यूनिवर्सिटी को ग्रुप पार्टनर बनाने का भी ऐलान किया। मैं इन चीजों को समझता हूँ। ये रोज टीवी और पाकिस्तान ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर इतने आज हम यूनिवर्सिटी से इम्प्रेस हुए हैं कि ये अमेजिंग काम देखा है। और ये जो है डॉक्टर साहब को हम ऑफर कर रहे हैं कि पाकिस्तान ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर और रोज़ टीवी मीडिया पार्टनर होगा फ्यूचर के लिए इनका। तो हमारे पांच अखबार हैं, रोजनामा पाकिस्तान है, रीजनल पेपर्स हैं जो गांव में पढ़े जाते हैं, एक्शन है, नवाबशाह है, बल्कि दूसरे सूबों में भी ये जो है ना, इसकी दूसरे सूबों को भी हमारा मैसेज जाना चाहिए। ज़राअत का प्रोग्राम बिल्कुल करें, हफ्ते में एक दिन ज़राअत का प्रोग्राम करें। इधर ही कोई सिस्टम बना देंगे। अभी इनको हम अपना फार्म दिखाएँगे, अगर इनको लग गया दिल इतने, मैं तो इस तरह मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि मीडिया को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन देख के वो भी खुश होंगे। तुलबा के लिए देखें जी, मैं तो उधर उनको कहा, बातचीत में भी कहा, यही रिक्वेस्ट की कि यही तुलबा हमारा फ्यूचर है। इन्होंने ही आगे मैसेज, जो काम डॉक्टर साहब कर रहे हैं, जो काम मैं कर रहा हूँ, जो काम और कोई सीनियर आदमी कर रहा है, अगर उसकी क्वालिटीज और उसके काम को ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो यही हमारे एम्बेसडर हैं, यही हमारा मैसेज लेके आएंगे। उनको मेहनत करनी चाहिए, अपने हाथ से काम करना चाहिए। वाइस चांसलर डॉक्टर राय नियाज अहमद का कहना था कि सरदार खान न्याजी के इस दौरे से हौसला अफजाई हुई, बहुत जल्द हालिया इकदामात के समरात सामने आएंगे। मुझे एक तो बहुत बड़ी हौसला अफजाई हुई, मुझे नहीं, मेरी टीम को, मेरे कुलीग्स को, मेरे स्टूडेंट्स को बहुत हौसला अफजाई हुई। और मुझे ये खुशी हुई कि जब उन्होंने बच्चों को सुना, बच्चों के ख्यालात सुने, तो वो खुद ही बता रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ वो काम कर सकती हैं जिसके लिए ये मुल्क बनाया गया था, और वो है ज़राअत। और अल्हम्दुलिल्लाह न्याजी साहब भी खुश थे, हम भी खुश थे, और ये जो हमारा इंटरेक्शन है, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़ेगा भी और इससे हमारी नेशन को फ़ायदा होगा। और ये जो पैगाम, जो मेहनत, कोशिश हो रही है, ये हर घर में पहुंचेगी। मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो किसी भी महकमे की हों, वो रोल मॉडल होती हैं। और ये यूनिवर्सिटी चूँकि ज़राअत की यूनिवर्सिटी है, तो ये ज़राअत का एक रोल मॉडल है। और आपने जैसे देखा है कि अगर इन चीज़ों को यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकाल कर ज़मींदार के गेट तक पहुँचा दिया जाए, तो मुल्क में एक साल ही में वो तब्दीली आ सकती है जिसको हम 70 साल से इंतजार कर रहे हैं। कबल अजीज चीफ एडिटर पाकिस्तान ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर सरदार खान न्याजी यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वाइस चांसलर असतजा और तुलबा तालबात ने वाराना इस्तकबाल किया। तुलबा तालबात से गुफ्तगू सेशन में सरदार खान न्याजी ने तुलबा को हिदायत की कि वतन के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बुरुएकार लाएं। सरदार खान न्याजी ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबे देखे और वाइस चांसलर की कारकर्दगी को सराहा। इस यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान सरदार खान न्याजी की पजीराई इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर और रोज टीवी ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। कैमरा टीम के साथ रजा अब्द मुस्तफा, रोज न्यूज, रावलपिंडी।